Hello everyone, students, as you know in the last lecture we had completed this chapter that is water. अब हम इस chapter की exercise को solve करेंगे. So let's start from the section A. ये आपको orally solve करने हैं, कहीं पे लिखने नहीं हैं. How can we purify water at home? घर पे हम water को purify कैसे कर सकते हैं, शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो हम घर पे एक तो water filter द्वारा कर सकते हैं, जो वाटर फिल्टर होते हैं उनकी वजह से उनकी द्वारा कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग वाटर, बॉइल करके भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स टैप वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. यानी कि टैप वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनसेफ क्यों है? बिकॉज उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इसलिए. नेम थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के थ्री सोर्सेस बताने कि कहाँ कहाँ से मतलब हम लोग वाटर मिल सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रेन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. फिर उसके बाद लेक्स, पॉन्ड्स, फिर उसके बाद है रिवर्स. ये सब वाटर के सोर्सेज हैं. आप इसमें वेल, हैंडपम्प, ये सब भी लिख सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर से जो होते हैं. फिर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर्स, लेक्स या फिर रेन. तो यहाँ पे रेन आएगा, रेन बारिश से ही पानी, ये पानी का मेन स्रोत वही है. फिर वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, नहीं क्योंकि माउंटेन में स्नो ही प्रेजेंट होती है, वही पिघलती है समर के ड्यूरिंग, और फिर वो आती हैं स्ट्रीम्स के थ्रू. ठीक है, वेपर्स के थ्रू नहीं, स्ट्रीम्स के थ्रू. तो यहाँ पे स्ट्रीम्स आएगा. फिर है सेक्शन बी का फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप बुक में ही पेंसिल से लिखेंगे. समटाइम्स वाटर फ्रॉम द टैप्स में कंटेन, जो वाटर टैप्स में होते हैं, नल्स में, इन सब में होते हैं, उनमें क्या होते हैं, तो उनमें जर्म्स होते हैं. ठीक है, फिर वी गेट डैश वाटर फ्रॉम द ट्यूब वेल. अब ट्यूब वेल से हमें कौन सा वाटर मिलता है, तो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरग्राउंड वाटर लिखेंगे, अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल. वाटर इज प्यूरिफाइड इन डैश प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में वाटर प्यूरिफाई होता है, तो ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर प्यूरिफाई होता है. ये हमने चैप्टर जब रीड किया था तब पढ़ा था. फिर है अपर पार्ट्स ऑफ डैश आर कवर्ड विद स्नो, तो माउंटेन्स का जो अपर पार्ट होता है वो स्नो से कवर्ड होता है, तो यहाँ पे माउंटेन्स आएगा. नेक्स्ट इन डैश लेक्स एंड रिवर्स ड्राई अप, तो लेक्स और रिवर्स कब सूख जाती हैं, समर में. ठीक है, तो यहाँ पे समर आएगा. इन समर्स लेक्स एंड रिवर्स ड्राई अप. वी शुड टर्न डैश द डैश वाइल ब्रशिंग अवर टीथ, ब्रश करते हुए टीथ को हमें टर्न ऑफ करना चाहिए, किसको, टैप को यानी कि नल को. ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा. फिर उसके बाद आप देखिए बी है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द वर्ड्स, यानी कि ये पिक्चर्स को देखिए, ये पिक्चर है किसकी, बारिश की, और यहाँ पे वर्ड दिया है, ये अलग अलग रखा हुआ है, इसको आपको साथ में रख के एक वर्ड बनाना है. तो ये बारिश की पिक्चर है, बारिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेन बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेन. ठीक है, अनस्क्रैम्बल है, इसको ऐसे अच्छे से करना है, वर्ड बना देना है. ठीक है, फिर है ये कुएं का पिक्चर है, कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं, तो ये वेल हो गए. तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसको सीधे से लिखना है. फिर है, फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये हैंड पंप है, हैंड पंप, तो आप ऐसे लिखेंगे. फिर ये क्या है, ये नदी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर, तो आप यहाँ पे रिवर लिख देंगे. फिर ये भी आपको बुक में ही करना है. अब ये जो क्वेश्चन है ये रफ नोटबुक में आप दो लिखेंगे. राइट टू वेज बाई विच वी कैन सेव वाटर, दो तरीके से लिखने हैं ताकि हम पानी का बचाव कर सके, सेव कर सके. तो फर्स्ट आएगा कि टर्न ऑफ द टैप वाइल आई ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो आप टैप को बंद कर दीजिए. टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज. नेक्स्ट और भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई और दूसरे आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू वेज बाई विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, यानी कि जब जो पानी है वो कैसे प्रदूषित होता है वो लिखना है हमें. तो लिखेंगे फर्स्ट वे होगा वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स,
यानी कि कपड़े धोना नदियों के किनारे, उस वजह से गार्बेज थ्रोन इन वाटर बॉडीज़, जो कूड़ा कचरा है वो हम लोग वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स हैं उन सब में थ्रोन करते हैं, फेंक देते हैं, उस वजह से भी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।